नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच, मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आप सारे जानते हो जो मेरी विजन है 2034 इस देश से गरीबी हटाना, उसके लिए जो है लगातार मेरी 10:30 का प्रोग्राम आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हो, लॉकडाउन हो या नॉन लॉकडाउन हो, आपके साथ 10:30 एवरीडे मैं दिखता हूँ। यदि आप मेरे प्रोग्राम को देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो में जाओगे, न्यूएस्ट के हिसाब से रखोगे तो पिछले कंटिन्यूस वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। कभी मास का बिजनेस बात किया, कभी सोलार, कभी एलईडी, कभी कंस्ट्रक्शन, कभी और कुछ, क्योंकि मैं 4000 तरीका का बिजनेस सिखाता हूँ, पैसा कमाना सिखाता हूँ। इस धरती में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा है और मेरा स्टार्टअप क्लिनिक जो है, पैसा का प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देता है। लर्न व्हाइल यू अर्न, यस मेरे दोस्तों, क्योंकि एक प्रॉब्लम होता है जिसको सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में एक प्रोडक्ट एक सर्विस बनेगा, एक प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन देने में एक प्रोडक्ट एक सर्विस बनेगा जिससे पैसा निकाला जा सकता है। यस मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो पैसा बनता है। लेके चलते हैं, एक प्रॉब्लम है आज कोरोना वायरस। मैं तो शायद ये वीडियो कभी भी आप देखोगे, काम सेम ही है, मतलब ये मेरा 100 साल ले, 500 साल, 1 लाख साल के बाद भी मेरा यदि वीडियो जिंदा है तो ढंग सेम ही है। शायद उसमें बोलने का तरीका बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, लोग, मैं मर जाऊंगा, मेरे 10 पीढ़ी के पीपल निकल जाएंगे, लेकिन ये जो मेरा हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये जिंदा रहेगा यदि ये इंटरनेट सिस्टम्स जिंदा रहेंगे, ये जिंदा रहेगा, वो सारे सर्वर्स जिंदा रहेंगे, ये जिंदा रहेगा यदि इंसानियत जिंदा होगा। यदि इंसानियत जिंदा नहीं है तो ये मेरा वीडियो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि आज जो हम लोग देखेंगे कि एक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए तरीका कैसा बनता है और उस तरीका से पैसा स्ट्रॉ को कैसा ये चूसते हैं, मतलब एक सिस्टम को कैसा करते हैं। यदि हमारा प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम रहा, मतलब मैं सपोज मान के चलो मेरे को दांत दर्द देता है, ये मेरा हो गया स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अनेक पीपलों को दर्द देता होगा जो आप भी जानते नहीं, मैं भी जानता नहीं, ये मेरा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। जहां मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा, मैं अपने दांत को ट्रीटमेंट करवाऊंगा, या मैं घर में रहूंगा, लवंग लगाऊंगा, नहीं तो नींबू निचोड़ूंगा, कुछ भी कर लूंगा, ये मेरा कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। अब लेके चलते हैं कि मेरे को मेरे अपार्टमेंट को सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है सिर्फ अपार्टमेंट तक, समझ लेंगे। उससे पहले समझेंगे कि मेरे घर में चिकन का प्रॉब्लम है, तो मैं पिछले वीडियो में बताया कि नॉन वेज का मोबाइल एप्लीकेशन किसके साथ आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर में बहुत ऐसे बिजनेसेस पिट चुके हैं। तो मैं 4000 ऐसे बिजनेसेस के ऊपर मैं काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, सोलर, एलईडी, कोई भी बिजनेस जो पिट भी गया है उसको भी सीधा कर देता हूँ। पिटने वाला मतलब बिल्डिंग गिरने वाले को बिल्डिंग बनाने में जरा सा टाइम लगेगा, यदि नया बिल्डिंग बनाना है, जगह नया है, तो टाइम जो है बहुत बच जाएगा, क्योंकि मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ जो सीख सर है को इम्पॉसिबल है और मैं पॉसिबल करके दिखाता हूँ। यस मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, मेरी जो तरीका है करने का काम अलग है। मैं 100 में खेलता हूँ, मैं स्नेक्स एंड लैडर्स का उतना टाइम नहीं, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना मेरे को आता नहीं है, मेरे को आता है डायरेक्ट खेलेंगे तो 100, नहीं तो उसका खेल क्या मजा ही क्या है जहां आप नंबर वन नहीं हो। दो पीपलों को याद रखते हैं, एक है नंबर वन और एक है नंबर जीरो, जिसमें दाऊद अब्राहम नहीं तो नरेंद्र मोदी। यस मेरे दोस्तों, आप नहीं तो नीरव मोदी नहीं तो नरेंद्र मोदी, ललित मोदी नहीं तो नरेंद्र मोदी, यस बाबा रामदेव नहीं तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि एक सक्सेसफुल को याद रखेंगे, एक फेल्यूर को याद रखेंगे। बाबा रामदेव जी को भी यदि लगता है कि मेरे से गाइडेंस लेना है, मैं दे सकता हूं, क्योंकि लास्ट बार तो बाल बाल बच गए थे, यदि उस दिन मेरे को पकड़ लेते हाथ तो उनको मैं बचा डालता, क्योंकि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को मारने गए, वो हिंदुस्तान का नहीं है मेरे भाई, यूनिलीवर यूएस का है, और उसको मारने गए कि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को मार दूंगा, पतंजलि बना लूंगा। मेरे दोस्त, वो हिंदुस्तान लिवर है, चिट्टी पहन के नहीं आया, आपको उतारने ही आया था जब हिंदुस्तान में उतरा, तो ऐसा थोड़ी जो चले जाएगा कि
किसी को मारने की कोशिश मत करो, किसी को अपना जगह बना लो, क्योंकि मारने की कोशिश करोगे तो उसको भी गुस्सा आएगा। जैसा कि यूएस आज चाइना को मारने की तैयारी कर रहा है, उसको गुस्सा आएगा। आप गाली दे रहे हो चाइना को बॉयकॉट करो, उसको भी गुस्सा आएगा। मारेगा तो दोनों को, वो तो फेंकेगा तो जरा तो तबाही करेगा ही करेगा। इंडिया चैलेंज है मेरी, देख लेना। मैं जो बात करता हूँ ये मैं फ्यूचर की बात करता हूँ। यदि मेरे को कोई बाबा का वस्त्र कर देगा तो बोल देगा राम रहीम, क्योंकि मैं बाबा का किसी हाकों में धूल झोंक के मैं अपना बातें नहीं करना चाहता। मेरे को वो पीपल नहीं चाहिए, मेरे को भगवान नहीं बोलना है। मैं मोहन चंद्रा हूँ, इंसान हूँ, सिर्फ मेरे को दुख दे झेल नहीं पाता। अब पब्लिक से मिलना मैं बहुत कम कर दिया, क्योंकि पब्लिक से मिलता हूँ तो रोना शुरू हो जाते इतनी इमोशन से। मेरे को लगता है यार यार चलो कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस जिस को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पैसा लगा दिया, सारे बंदे मेरे दुश्मन बन गए, दोस्त ही नहीं रहे, दोस्त भी दुश्मन बन गया। दोस्तों आज जो है हम लोग एक ऐसी सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, जो सिस्टम एक प्रॉब्लम जब भी आता है, तो मैंने एक बताया कि मेरी यदि प्रॉब्लम है दांत का दर्द, मैं डॉक्टर के पास चले जाऊंगा सॉल्यूशन खरीदने। डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगा, वो मेरे को पिल करेगा या दवाई निकालेगा, दर्द निकालेगा, टैबलेट देगा, चार्ज करेगा। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने में पैसा बनता है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मेरी कॉन्सेप्ट बिजनेस मॉडल है, धरती में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, और मेरा कॉपी को भी ढूंढ लो धरती में, कहीं से पास मिल जाएगा। कोशिश तो कर लो, देख लेंगे कि कोशिश। जो हम लोग प्रिंटिंग के बिजनेस में नंबर वन है और रहेंगे, और मैंने जो सिस्टम क्रिएट किया आज भी नंबर वन है। लेकिन आज जो है बहुत पीपल कॉपी किए मेरे बिजनेस को, मेरे दोस्त आप लोग खत्म हो गए। यस, कॉपी आपने किया, खत्म हो गया, क्योंकि अब जो है बिना ट्रेनिंग का तो चलेगा नहीं उसकी जिंदगी, बिना स्ट्रेटजी का तो चलेगा नहीं, क्योंकि इतना है यही धरती में अनेक लाख पीपल बेरोजगार है, 6 करोड़ पीपल बेरोजगार है, और 6 करोड़ पीपल बेरोजगार हो जाएंगे, 70 करोड़ का खाना नहीं है और भूखा मरेंगे। इकोनॉमी को बहुत पीपल बोलते हैं सीधा हो जाएगा, मेरा चैलेंज है इकोनॉमी सीधा नहीं हो सकता है 2021 के अंदर, 2021 के अंदर इकोनॉमी सीधा नहीं हो सकता। ये इकोनॉमी बिगड़ा आज नहीं, इकोनॉमी बिगड़ना शुरू हुआ है 2000 से, इकोनॉमी बिगड़ना शुरू हुआ जब आदमी अपनी ज्यादा में ज्यादा टाइम इस मोबाइल के ऊपर दिया है। इस मोबाइल जो है आपकी जिंदगी बर्बाद कर दिया, क्योंकि पैसा जो है मिट्टी में पड़ा हुआ है, पैसा जो है हवा में पड़ा हुआ है, पैसा जो है पड़ा जहां वहां नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो वर्क फ्रॉम होम, घर से काम कर लो। मेरे भाई मिट्टी को खोदोगे तो पैसा निकलेगा, सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा, पीतल निकलेगा, वो बर्तन निकलेगा, वो सीमेंट निकलेगा, सब कुछ। अब घर से होम वर्क फ्रॉम होम, यदि 60% अब जनता वर्क फ्रॉम होम करेगा तो खोदेगा कौन? चीनी तो खोद दिया अपने शहर को, अपने देश को, तो उनके पास भी खोदने के लिए कुछ नहीं है। जापान से खोद दिए, उसके पास भी कुछ नहीं। ताइवान खोद दिया कि उसके पास नहीं। यूएस ने कुछ तो इंडिया में खोद लिया, यूएस के पास है अपना तो खोद ही लिया पहले से। उन लोग तो आज लड़ाई के हथियार बनाते, कल को दर्द होगा तो हमें तो हथियार बेचेंगे। आप क्या बेचोगे? जय हिंद के नारा बेचोगे, गोली आएगा तो गोली। तो मेरे को यदि देखोगे, वो टाइम की बात है जब मैं टाइम की रिव्यू करता हूँ कि बहुत पीपल गांधी जी के बुक में हो, गांधी जी के सिस्टम में हो, यदि देखोगे तो गांधी जी को बोलते हैं कि गांधी जी यदि नहीं होते तो सुभाष चंद्र बोस, देखो मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन के पास मोहन भी था और चांद भी था, ये सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस के पास सुभाष है और चंद्रा है, मेरे पास तो मोहन और चंद्रा है। देखो मेरे दोस्तों, मेरे नाम में जो पावर है, मैं बहुत फखर हूँ, बहुत मजा आता है मेरे को, वर्क में तो पैशनेट हूँ, वो ही आप देखे हो, क्योंकि कौन रात का 3:30 बजे का मेरा आज वीडियो शुरू हुआ है, मेरे को नींद तक आता नहीं है। मेरे ड्रीम ऐसा है जो रातों को नींद उड़ा देता है। आपका ड्रीम हो है रात भर नींद ही आता है, सो के जीते हो। आज क्या हुआ मेरे दोस्त, मैं तो निकल गया, मैं तो सक्सेसफुल हूँ, आज भी सक्सेसफुल हूँ, पहले भी हूँ, क्योंकि मैं अपनी रास्ता खुद का बनाता हूँ, रास्ता इस बार बनाता हूँ। आपको दे दिया, आपको पता ही नहीं चला, एक ही दिन में ये बंदा 18 दिन का काम कर लिया, 20 दिन का काम कर लिया। यस मेरे दोस्तों, मैं ऐसा ही करता हूँ। आज देखो ये दिन मैंने सिर्फ ये बदला, शर्ट सेम ही है, मैं बदलते जा रहा हूँ, वीडियो बना,
यस, आज मेरे को पास मूड है, मेरे पास एनर्जी है, क्योंकि मेरे को कल कुछ चीजें मैं नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है, क्योंकि मैं बताऊंगा फिर से मेरे को बोलोगे कि अरे यार इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं, क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता। आपसे झूठ बोलूंगा तो मैं और आप में डिफरेंस क्या रहा? मेरे को जो देख रहे हो मैं आपको दिखा रहा हूं, डिफरेंस तो है ना? तो मैं झूठ बोलूंगा तो आप क्यों देखोगे? कॉमन मैन बन जाऊंगा तो आप क्यों देखोगे? अनकॉमन हूं करके तो फॉलोअर है, फॉलो करते हैं। कॉमन मैन होता फॉलो करते? कुछ नहीं करते। दोस्तों पैसा कमाना सबसे आसान है। यस मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, पैसा कमाना, एक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने से पैसा मिलता है, जैसा डॉक्टर ने दांत को सॉल्व किया है, नंबर वन। नंबर टू देखेंगे, हमारा घर की प्रॉब्लम है, घर के चिकन नहीं आ रहा, तो मैंने कल बताया कि चिकन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बना के एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो जो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। जो मैंने एक प्रॉब्लम को देखा एक लॉकडाउन के समय में, तो मैं बोला कि मेरे माँ को पूछा कि माँ इस तरह प्रॉब्लम है, वो बोली कि सब्जी का भी बिजनेस बताना तो जा बेटा, और नॉनवेज का भी बताना, बाथरूम एक्सेसरी का बताना। वो बहुत मेरे को प्रॉब्लम लिख के दी, कम से कम 15 ऐसा प्रॉब्लम है मेरे घर की प्रॉब्लम है जो मैं चाहता हूँ कि कोई आके मेरे घर में दे दे, और अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि मैं तो नॉन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करता। मतलब सस्ता प्रोडक्ट हो तो मैं, पता है जो भी सस्ता होता है उसमें क्वालिटी नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉय इज नॉट बीन पेड वेल। यदि बात करते हो हमारे एम्प्लॉय को क्या पे करते हैं, हमारा बिजनेस कोचेस जो है उसको हम पे करते हैं 18 लाख पर एनम, और 25% का नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट। ये कहे कि उसका जीवन हमें दे देना है 2034 तक। यदि आप बोलते हो कि मेरे को भी बनना है, यदि कॉर्पोरेट ट्रेनर हो, एक MBA हो, एक अच्छा सोच रखते हो उस देश को बदलने में, साथ दोगे इस देश के वासी को, समझ, फिर से मैंने भूल कर दिया, देश का विकास करने के लिए, देश को बदलने के लिए मोदी जी काम कर ही रहे हैं, लेकिन देश को विकास करने के लिए मोदी जी काम करें, तो मैं आपका विकास, जब तक आपके घर में आपके विकास नहीं होगा, मोदी जी का सपना साकार नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी 75 साल तक वो वायदा किए कि इस देश को संभालेंगे, तो उनका जो 65 साल से शुरू हुआ 2024 तक, उनको डेफिनेटली हमें जीताना है। क्योंकि मैं दोस्तों आप जा रहे जानता हूँ, मैं सरकार के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ, बीजेपी का तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि वो पार्टी है, मोदी जी पार्टी नहीं, मोदी जी के नाम पे जीते हैं, पार्टी तो पीछे में आया, मोदी जी के नाम पे जीते हैं। तो मेरे को जब इनवाइट आया तो मेरे को कि बीजेपी में आप ज्वाइन करो, मैंने बोला कि बीजेपी नहीं ज्वाइन कर सकता मैं। अब मेरे को इनवाइट आया कांग्रेस ज्वाइन करो, मैं बोला कि कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, मोहन चंद्रा हूं ना मेरे भाई, अकेला हूं, तो मैं पार्टी क्यों ज्वाइन करूं? मोदी जी का साथ तो दे ही रहा हूं ना, उनकी के लिए तो ये काम पूरा है। 2014 में वो आए सितंबर अक्टूबर में, मैं तो 2014 में जनवरी 31 तारीख से तो यही काम कर रहा हूं, तो मैं तो पहले ही आ गया, क्योंकि जब US में पर्यावरण कर रहे थे, घूम रहे थे, मेरे दोस्त बोले कि मोदी जी घूम रहे, मैं बोला कौन है साला मोदी, मेरे को तो पता नहीं था ना। तो फिर मैंने देखा कि उनके बारे में पढ़ा, मैं देखा तो महान व्यक्ति है मेरे भाई। देखो यदि मेरे वीडियो को देखोगे तो मेरे चैनल में चलो जीते हैं करके एक मूवी है, एक चलो जीते हैं, जिसको मैंने रिव्यू किया, वो मूवी को लॉन्च करने में मैं जब गया उसको रिव्यू किया, और आप देखो मैं बोलता हूं कि मेरे भाई वो महान है, महान जो घर से निकले हैं, जो घर में उसका बाप चाय वाला था, उनको संघर्ष करते हुए आज यहां तक पहुंचे, तो देखो ना उनकी जर्नी को देखो, महान। लेकिन उसको साथ नहीं देंगे, चू नहीं करवाएंगे, तो एंड ऑफ द डे वो जर्नी अधूरा रहेगा, इस देश वहीं का वहीं रह जाएगा, जो सपने लेके आए नहीं आए, तो गांधी जी का नोट रिप्लेस कैसा करेंगे बताओ? हर पर्सन आए तो चले जाएंगे, याद रखना मेरे दोस्तों, गांधी भी आए चले गए, श्री कृष्ण भी आए चले गए, मोहन चंद्रा भी आए चले जाएगा, लेकिन हिस्ट्री बना के जाएगा। तो हिस्ट्री मैं भी बनाता हूं, वो गांधी जी बनाते थे, श्री कृष्ण जी बनाते, मोदी जी भी बनाते, इनको जिताना आपका हक है, आपका काम है, और हमारा काम है इस देश के वासी होके। आप क्या कर रहे हो, घर में बैठ के भजन कर रहे हो? उठो मेरे दोस्त, चलो उनको योगदान दो, उनको हेल्प करो, हम तो कर ही रहे, हम क्या कर रहे हैं, आप ही को तो उठा रहे, बोल रहे कि भाई काम करो, एंटरप्रेनर बनो, एम्प्लॉय बनो, स्किल डेवलप करो, वुमेन को बोल रहे हो पावरफुल बन, एंटरप्रेनर मत बनना,
पावरफुल बनना, पावरफुल। वो पावरफुल होती क्या है मैं दिखाऊंगा बहुत जल्द आपको। पावर क्या होता है? डायनामाइट्स, डायनामाइट्स को मैं दिखाऊंगा। यस, वुमेन जो है पावरफुल। स्किल, हेल्थ केयर। आपको मैं बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ हेल्थ के बारे में। उसके लिए जो आज हमारा देखो लकीली हो गया और मेरे हाथ में फोन भी है, तो आपको दिखाता हूँ हेल्थ क्या है। तो आपको मैं बताता हूँ, मेरे को ना कल सर्दी आया। अब देखो मैं पहले यदि जरा सा बैकग्राउंड बता दूं मेरी, मैं अपना जीवन में 2001 या 2002 से मैं अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। 2014 जनवरी 31 तारीख मेरी लास्ट डे ऑन एबट। एबट जान सुने होंगे, जो कोरोना वायरस का टेस्टिंग किट बनाए, तो फास्टेस्ट टेस्टिंग किट वर्ल्ड में बनाए, वर्ल्ड का नंबर वन कंपनी, जो कंपनी में मैं अच्छी पोजीशन में काम किया। तो बहुत ऑफर थे मेरे पास, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में ग्लोबली मैं बहुत कुछ काम करूँ, यूएस चले जाऊँ, कैलिफोर्निया चले जाऊँ, नदरलैंड चले जाऊँ। लेकिन मैं अपने आप को बोला कि भाई जब जाना ही था, 10th क्लास के बाद जब मेरे को कनाडा का ऑफर आया था, जो मेरे माँ ने बोली कि बहुत छोटा बच्चा है तो मत जाना, तो मैंने ही किया। तो उसी दिन मैंने बोला कि भाई इस देश को मैं छोड़ के जाने वाला पर्सन ही नहीं हूँ, मोहन चंद्रा हूँ, मोहन चंद्रा। मैं देश से भागने वाला खातिर नहीं हूँ, मोहन चंद्रा हूँ। कोई भी हाल में मैं नहीं भागूंगा, तो वो मैं मोहन चंद्रा हूँ। तो मैंने कभी नहीं बोला कि भाई मेरे को वहां जाना है, यहाँ जाना है। मैंने स्टेज था, उस स्टेज के बाद मेरे को कुछ मेरी स्कोप नहीं दिखी, और उनको भी मेरी जरूरत का शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अचीव करना था कर दिए। उसके बाद तो मैं रहूंगा तो गोली थोड़ी, जो कौन सा मोहन चंद्र, मोहन दास करमचंद गांधी हूँ, गोली कहूंगा। सुभाष चंद्रा तो मैंने बताया लास्ट में, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाए उनका, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो आजाद हिंद फौज बनाए, वो बहुत गलती था। यदि आप सोचोगे बहुत पीपल सुभाष चंद्र का फैन है, मैं भी फैन हूँ, लेकिन गलती था, क्योंकि यूके वाले से गोली है, जापान से गोली लेके यूके वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत पावरफुल हो चुके थे। और लड़ाई नहीं, गांधी जी का जो संघर्ष था इतना, अपने जीवन में कपड़ा तक छोड़ के हर घर में घूमे, हर जगह घूमे, उसको तोड़ेगा तो नहीं हो सकता था, क्योंकि उनको नेहरू का प्लेस चाहिए था। तो गांधी को जो पसंद नहीं है उसको बोले भाई मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा ऑफिस भी मैंने अपने जीवन में जो अचीव किया था वहां, जहां आप सोच नहीं सकते। लेकिन यस, वो एनजीओ है, वो मैं अपना ऑफिस कहलाता नहीं हूँ, क्योंकि देश के आप ऑफिस है। तो मोहन चंद्रा हूँ, मोहन श्री कृष्ण का नाम और चंद्रा रोशनी। तो यदि मोहन और चंद्र, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ, यदि देखोगे तो ये एप्लीकेशन, क्योंकि हेल्थ के बारे में आ गया। आप सारे जानते हो मेरे 5 ऐसे एजेंडा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर। 5 ऐसा एजेंडा में ये एक ऐसी, मैं क्योंकि हेल्थ के बारे में कुछ आज बात करना चाहता हूँ, तो मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर किया हूँ। देखो ये है आपका आरोग्य सेतु। देखो मैं जो फोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसमें मैं डाउनलोड किया था एक, इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ आप ही के सामने में, प्ले स्टोर से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, NIC ने बनाया है आरोग्य सेतु। इससे समझेंगे, क्योंकि मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलने से पैसा मिलेगा, इससे पैसा कैसा गवर्नमेंट को मिलेगा देखेंगे, क्योंकि हम एक रिव्यू कर रहे हैं। और इससे पहले मैं बताऊंगा कैसा मैं अपने आप को क्लियर ठीक किया कल। मेरे को पहले बताता हूँ, देखिए ये तो ओपन हो जाने दो, ये ओपन हो गया, ये इंग्लिश पूछा, मैंने नेक्स्ट बोल दिया, ये पूछा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रजिस्टर कर रहा हूँ, ये डिवाइस लोकेशन से हम रजिस्टर कर लेंगे, एग्री कर दिया। मतलब मेरे को पढ़ना है का इतना टाइम नहीं है, बहुत लंबा। आरोग्य से बोलता कि अलाउड टू विजिबल टू अदर डिसेस 120 बार, तो इसको हम बोल रहे कि आप एक काम करते हैं, 9919005389 87, ये ऑफिस का फोन है, यदि मेरा नंबर सुन लिया तो आप फोन मत करना। हम अभी आ गया OTP, ये हो गया रजिस्ट्रेशन डन, वन टाइम आ गया, देख लो यहाँ वन टाइम आ गया। यदि आप देखिए, आपको दिखा नहीं तो जरा सा मैं फोकस दबाऊँ, एप्पल का फोन है तो फोकस दबाते साथ आपको दिख चुका है। इसमें बोला कि मेल और फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या हो रहे हैं, तो सारे, क्योंकि हम लोग 30 मिनट के अंदर में खत्म करने की कोशिश करेंगे, बढ़ गया तो कुछ मत सोचना, देख लेना।
क्योंकि आपको जरूरत है, मेरे को जरूरत नहीं है। आपको मैं एक रिव्यू करके दिखा रहा हूँ जो जरूरत आपको है, क्योंकि आपको समझना है पैसा कैसा कमाना है। क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ, वर्ल्ड का कोई भी बिजनेस लेके आओ, इसको भी मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ इसका पीछे में राज क्या है। कोशिश तो कर सकते हैं, शायद 100% का सेम नहीं हो सकता है, ऐसा मत बोल देना कि 100। तो ये जो है मेल को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने फुल नेम लिखा मोहन चंद्रा, मोहन चंद्रा मैंने लिखा, एज 43, ठीक है जी। प्रोफेशन, अब मैं प्रोफेशन क्या लिखूं इसमें, नन ऑफ द अबव लिख दूंगा। कंट्रीज यू ट्रैवल आउटसाइड, नन, मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया, हो गया। उसके बाद हो गया कंट्रीज, हो गए नन। इसके बाद नन क्यों नहीं ले रहे, ले लिया नन, मेरा नन ले लिया। रेडी टू वॉलंटियर टाइम ऑफ योर नीड, मैंने बोला कि यस कंफर्म सबमिशन सबमिट। आर यू फीलिंग वेल, कल था नो, आज मेरा यस। 20 सेकेंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, मैं बोला यस ले लो, गॉट इट। अब आ गया, आपको कॉफ है, अभी तो कॉफ नहीं है, आप देख रहे हो कि मैं लगातार काम कर रहा हूं, कॉफ तो नहीं है ना। मेरे को फीवर होता तो ये मेरा आज आज जो है चौथा वीडियो है, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होता तो आप पता लग जाता, तो मैं आपको लिए सामने ही नन ऑफ द अबव दबा दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि आपको डायबिटीज है क्या, मैं आपको बताता हूँ मेरे को कोई डायबिटीज नहीं है, क्योंकि मैं मोहन चंद्रा हूँ। हाइपरटेंशन, कल था मेरा 180/100, कल एस्टरडे एस्टरडे आई थिंक या डे बिफोर एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे जो मेरा 5 तारीख का जो हाइपरटेंशन था, 180/120, मेरे को कंटिन्यू 20 दिन मेरे को लगा वो रेंज में, मैं अपना 140 से लेके 100 के बीच में रखा। तो आज यदि बोलोगे कि जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज मेरा हाइपरटेंशन है 120/80, जो एकदम नॉर्मल, मैं अपने आप को किया हुआ, कहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं गया ना, मेरे को सर्दी को मैं ठीक किया, सबको मैं ठीक किया, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में 12 साल योगदान दिया, वो भी आईसीयू के अंदर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के अंदर में मैं मास्टर बन चुका था, सर्जरी के अंदर में मास्टर बन चुका था। सिर्फ इतना था कि मैं आपके जैसे सर्टिफिकेट नहीं लिया, क्वालिफाइड तो था क्योंकि मैं डॉक्टर्स को गाइड भी कर देता था, क्योंकि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जब काम करता हूँ मैं गाइड करूंगा न्यूट्रिशन इंडिया को। तो देखो मेरे दोस्त, NABH नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल, उसमें जाके देखोगे तो न्यूट्रिशन के गाइडलाइंस तक हमने फॉर्म कर चुके हैं, यस मेरे दोस्तों। तो इसमें देखेंगे, क्योंकि हम लोग बोलने से मेरे दोस्त, यदि आप करेक्ट करना है तो मेरे वर्ड को करेक्ट कर लेना। तो NABH जो नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए जो हमने न्यूट्रिशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए एबट की तरफ से, बहुत ज्यादा थे, क्योंकि विजनरी विजनरी बिजनेसेस होते हैं US वाले का। हमें तो इंस्टेंट रातों रात अमीर बनना है, जो हो ही नहीं सकता। जो बंदा रात को अमीर बनता है रात को ही गिर जाता है। 1,37,000 वर्ल्ड के स्टार्टअप होते हैं डेली, 1,37,000 स्टार्टअप डेली फेल हो जाते हैं, यदि आंकड़ों की बात करते हो, यस मेरे दोस्तों। क्योंकि फेल होता है क्योंकि सारे पीपल एक्सीडेंटल एंटरप्रेनर्स होते हैं, कोई भी पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता। हर बंदा अपने मोबाइल में लाखों करोड़ कमाने की कोशिश करता है, खुद अपना स्किल देखता नहीं, क्योंकि स्किल क्या है उसको पता नहीं, कि 18 डिफरेंट डिपार्टमेंट को अकेला संभाल लेगा। सोचेगा, सपोज मान के चलो वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करके बाहर आया, तो 4 इंजीनियर मिलके एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को बनाते हैं और बोलते हैं कि अरे यार रैपिडो बना देंगे, इसको बना देंगे, उसको बना देंगे। कोई प्रॉब्लम को, इस देश का प्रॉब्लम को कोई भी हमारा स्टार्टअप सॉल्व ही नहीं किया। यस, फंड जब जरा सा सॉल्व होने लगी तो फंडिंग लेके आते हैं बाहर से, अमीर खुद बन जाते हैं, इस देश को फिर से गरीब बना देते हैं बाई फॉरेन डिपॉजिट्स इंडिया में लाने के बाद। अब ये पूछा तो मेरे को पूछा कि डायबिटीज हाइपरटेंशन, तो परसों मेरा डायबिटीज नहीं था, हाइपरटेंशन था। मैंने अपना रिव्यू नहीं किया, यदि करता तो मेरा घर आज सील हो जाता, उस दिन मैं करता तो घर सील हो जाता, क्योंकि वह सब कोरोना का सिम्टम्स थे, सील हो जाता, क्योंकि कोरोना वायरस होता नहीं मेरे तो दोस्त, आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं कंट्रोल कर किया हूँ अपने आप को। आज नहीं, आज भी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, डॉक्टर्स को मैं सिखाता हूँ, मेरे को पता है कि वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है। वायरस जब होता है एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस होने के बाद ही वायरस होता
निकल आ जाता है। एंटीवायरस होने के बाद ही वायरस, यदि आप कंप्यूटर में देखोगे, मैकाफी ले लो या एवीजी ले लो, कोई भी, उन्हीं लोग वायरस बनाते हैं, उन्हीं लोग एंटीवायरस बनाते हैं। यस मेरे दोस्तों, तो ये एंटीवायरस, यदि एवीजी का एंटीवायरस को मैकाफी कोशिश करता है या क्विक हील कोशिश करता है, पूरा पकड़ नहीं पाता, तो उसी लिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, यदि कंप्यूटर के एंटीवायरस को यूज प्रोग्राम को यूज करोगे तो एवीजी का अल्टीमेट यूज कर लेना, कंप्लीट पैकेज, टोटल पैकेज खरीद लेना। आप अभी तक मेरा कंप्यूटर कभी भी क्रैश नहीं हुआ है, क्योंकि एवीजी को मैं बिलीव करता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ एवीजी का। यस, वो कॉस्टली पैकेज है, आपको मैकाफी में शायद मैकाफी हो गया या क्विक हील हो गया, 50 रुपया 100 रुपया में आपको एक सीडी मिल जाएगी आपका एंटीवायरस का प्रोग्राम, लेकिन आपका बार बार प्रोग्राम, क्योंकि उसका जो एवीजी जो है, एवीजी ऐसी वायरस की प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर में कभी डाटा चोरी नहीं हुआ, डाटा क्रैश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शायद मेरा कंप्यूटर को उठा के मिट्टी में मिला दिए, तोड़ दिए, वो बात अलग है, क्योंकि उसमें डाटा को खत्म नहीं कर पाए, कि एवीजी का सिक्योरिटी उतना पावरफुल सिक्योरिटी होता है। तो एवीजी जैसा हमेशा हर कंप्यूटर से पैसा निकालते रहता है, तो हर इंसान से पैसा निकालने के लिए है ये कोरोना का वायरस, जो आपको वैक्सीन से बेचा जाएगा। तो मैं आपको कहता हूँ कि कोई वैक्सीन की 99% नहीं, 100 का 100% मैं कहता हूँ वैक्सीन को इंडिया को जरूरत नहीं है। यदि कोई जरूरत है तो डॉक्टर मेरे से डिबेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन बनता है कम से कम 16 साल का, तो मेरे को पता है कि इतना समय तो लगता ही है, 16 ईयर्स का लगता है। तो 16 साल के बाद यदि वैक्सीन आता है तो आप खरीद लेना, 8 साल के बाद वैक्सीन आता है तब पर भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि बल्कि बहुत ट्रायल्स को मिस कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप इमीडिएटली आप अपनी वैक्सीन को लगा लेते हो, तो मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त ये आरोग्य ऐप के जैसे होगा। देखो आपको मैं आप ही के सामने बता, नन ऑफ द अबव। आप पूछ रहे हैं मेरे को, हैव यू टेस्टेड एनी वे वेयर इंटरनेशनली, हैव यू ट्रैवल्ड एनी वेयर इंटरनेशनल लास्ट 28 to 45 days? मैं बोला नो, मैंने नहीं किया, पासपोर्ट चेक कर सकते हो। आई हैव रिसेंटली इंटरेक्टेड अ लिव विद समवन हु हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। आई एम हेल्थ केयर वर्कर, आई एग्जामिन्ड COVID-19 कंफर्म केस। तो मैं बोला नन ऑफ द अबव, क्योंकि आप लोग देखे हो मैं घर से निकला नहीं। जब निकला हूँ भारत सरकार ने बोला 33% आप इस देश में जा सकते हो, तो मैं निकला, तो बोला कि ये योर इन्फेक्शन रिस्क इज लो, वी हैव रिकमेंडेड दैट यू आर स्टे एट होम, अवॉइड एनी चांस ऑफ एक्सपोजर टू द नोवल कोरोना वायरस। ये नोवल कोरोना वायरस कैसा हो गया मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, ये कोरोना वायरस क्या है मेरे को आज भी समझ में नहीं आता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ मेरे दोस्त, आप लोगों को चैलेंज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ना WHO को चैलेंज कर रहा हूँ, ना आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को चैलेंज कर रहा हूँ। रीटेक द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इफ डेवलप, फिर से करोगे तो हो जाएगा, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यस, उसके बाद हो गया ओके, आ गया हमारा टेस्ट कंप्लीट मेरे दोस्त, मैं बहुत सेफ हूँ। अब लेके चलते हैं, अब इसके बाद मेरे को मिलता है मीडिया कोविड अपडेट ई पास। मैंने कोशिश किया बीच में ई पास में पाने के लिए, आखिरी में मेरे को ई पास को रिजेक्ट कर दिया गया। मैं क्योंकि बोला कि मेरे को समाज के लिए कुछ काम करना है, मेरे को जाना है, तो मेरा ई पास रिजेक्ट कर दिया गया। और ई पास में यहाँ अप्लीकेशन करने के लिए जगह भी नहीं है, सिर्फ आपको किस किस रीजन से सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, ई पास इसमें एप्लीकेशन में जुड़ा ही नहीं है। और बाकी आता है कोविड अपडेट। कोविड जो है आज जो है 1886 पीपल मर गए, जो हमारा देश में सिगरेट पीने से कम पीपल मरे आज। यदि सिगरेट भी एक ही रेस्पिरेटरी मेडिसिन से डिसीजन से मिल जाते हैं, तो आप WHO का रिपोर्ट देख लेना कितना पीपल मरते हैं। कैंसर से भी कम पीपल मरे, और दारू पी के भी पीपल जो मरते हैं उससे भी कम पीपल मरे। और हमारा जो ग्रोथ है, और 3390 पीपल ग्रोथ है, तो मैं बोला इंडियन इकोनॉमी में 56,000 पीपल यदि मर भी जाता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि 70 करोड़ पीपल इस देश में गरीब हो गए। और बात आती है कि यदि मैं रिव्यू करना स्टार्ट किया, रिव्यू है मेरी सिस्टम, तो मैं बोलता हूँ कि रिकवर्ड उकवर्ड मारो, बोली मेरे भाई ये ग्रोथ दिख रहा है, ग्रोथ को खत्म कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब इतना ग्रोथ दिखने पर आप कैसा, बहुत जल्दी आप लोग सरकार, मैं बात करता हूँ ये सरकार के क्वेश्चन है, सेंट्रल हो स्टेट हो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंसान जो यदि मर गया तो मेरा हेल्थ केयर का एंटायर सिस्टम, जो मेरी विजन है जो 2034 तक गरीबी हटाना, हेल्थ केयर का मेरा मजाक हो जाएगा। तो मैं ये वाला जो है स्पेशली हेल्थ केयर, ये एप्लीकेशन के नाम पे मैं बना रहा हूँ, आरोग्य सेतु।
आरोग्य सेतु में इसको देख के, मतलब ये हमारा टेस्टिंग स्टाइल है, हम दुनिया टेस्ट कर रही है टेस्टिंग किट से कोरोना वायरस का, और हम टेस्ट कर रहे हैं ये सेफ है कि नहीं, इसके बेस पे हम लोगों ने ऐसी डिसीजन ले लिया दारू को चलाना। तो मेरे को सबसे गुस्सा है, मैं लगातार 4 दिन का आज जितना वीडियो बनाया मैं दारू को लेके ही बात किया, क्योंकि मेरे को बहुत ही गुस्सा है। यस, मेरे वीडियो में यदि देखोगे मैं 4000 तरीके का बिजनेस सिखाता हूँ, पैसा कमाना सिखाता हूँ, धरती में मैं अकेला हूँ जो पैसा कमाना सिखाता हूँ। दूसरे बंदे को पैसा कमाना खुद को नहीं आता, बचाना नहीं, मैं कमाना सिखाता हूँ, बचाना नहीं कमाना सिखाता हूँ। यस मेरे दोस्तों, और हो गया ऊपर में इतने पीपल रिकवर, ये सब जो स्टोरी है मेरे को हर दिन पढ़ूंगा तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो उतना मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि लकीर मेरे लिए बहुत है। एनालिसिस रिपोर्ट ये अप हो रही है, ट्रेंडिंग अप हो रही है, तो पीपल का मौत का एक रिपोर्ट डालते यदि ट्रेंडिंग अप हो रहा है तो 130 पीपल अप हुआ आज मरे, तो ये शायद हम किससे मरे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि ये रेस्पिरेटरी से मर गए तो कोई पीपल ने आपको कोविड करके बोल दिया, एक नया नाम रख दिया, जैसा कि बहुत पीपल रखता है, जैसा कि हमने मास्टर डाई रख दिया एक नया नाम, मतलब हमने बोल दिया यूनिवर्सल डाई एक नया नाम, दुनिया ने यूनिवर्सल डाई, हमने 3D मोबाइल कवर बोल दिया, वर्ल्ड पूरा 3D मोबाइल कवर बोलता है, हमने बोल दिया कि फेस कैप्स हम लॉन्च कर रहे हैं। देखो मैं, हम लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं फेस कैप्स, जो फेस को ना डिजाइनर प्रोडक्ट बना के देंगे, सब्लिमेशन का नहीं है मेरे दोस्त। यदि सोचोगे कि सब्लिमेशन का मास्क बना दोगे तो बीच का कपड़ा खुल जाएगा, सब्लिमेशन का मास्क नहीं बना सकते। यदि आप सोचोगे कि सब्लिमेशन का मास्क बना दो तो वायरस फिल्टर नहीं होता, कोविड-19 का फिल्टर हम बना चुके हैं, तो फिल्टर नहीं होगा तो आप कोई भी हाल पे आप नहीं बना सकते। यदि आप बोलोगे प्रिंटिंग के इंडस्ट्री में हम सब्लिमेशन का मास्क बना देंगे, मजाक उड़ जाएगा मेरे दोस्त। आप लोगों को रिस्क पता नहीं है कि हेल्थ केयर के साथ खेलने के समय आप किसी की जिंदगी और मौत के साथ खेल रहे हो। आप अपनी मास्क से कोई बंदा इन्फेक्ट हो गया और मर गया, आपको जेल में जाओगे, तो आपको ऐसी फालतू काम मत करो। उसको मैं आपको डेफिनेटली लाके दिखाऊंगा कैसा करना है, तो आपको मैं बताता हूँ कैसा काम करना है, आप बहुत ही आराम से पैसा कमाओगे। अब आ गया कि ये आरोग्य सेतु, अब आरोग्य सेतु में तो आरोग्य सेतु तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या है कि आप देखो देखो ट्रेंडिंग और ये मैसेजेस देते हैं, वीडियोस देते हैं, उसके बाद जो टाइम पास होता है नीचे में होता है डोनेट। ये देखो यहाँ से पैसा निकल रहा है, आप देखो डोनेट। अब ये जो डोनेट है पीएम केयर वेबसाइट में जाके डोनेट हो जाएगा, मैं डोनेट नहीं करूंगा क्योंकि तो मैं तो डोनेट कर ही रहा हूँ। ये डोनेशन, ये तो एक फ्री सेवा है ना मेरे दोस्त, जो आधा घंटा आपने देख लिया मेरे को, मैं आपसे पैसा मांगा या मैं यूट्यूब से पैसा लिया, मेरी जो चैनल है पैसा भी नहीं लेता। आप सोचोगे कि यूट्यूब से मैं पैसा कमा ले रहा हूँ, भाई मैं तो गरीब नहीं हूँ, यूट्यूब को से मैं क्या भीख मांगूंगा। मेरी ये चैनल है, ये चैनल में मैं आपको बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास रीच होने का तरीका मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं हर दिन टीवी चैनल में बात करूंगा वो एडिट कर देता, तो आज एडिट करने का मौका नहीं है। तो यहाँ देखो यहाँ ये बीच से पैसा, ये देखो पैसा हमेशा नीचे छुपा है, आप देखोगे देखो मेरे दोस्त ये पैसा को मैं ऐसा देखते गया सडन से, नहीं तो भूल जाता, मैंने देखा ही नहीं है। देखो इसके अंदर से पैसा का एक प्लेटफॉर्म है, ये डोनेशन का प्लेटफॉर्म है, आप देख रहे हो कि पैसा यहाँ छुपा होता है। पैसा जहां भी होता है एक लॉक लगा होता है, और लॉक को मैं तोड़ सकता हूँ, मैं तो आपको बता दिया। तो यूएस ने आपको बना दिया लॉक, कोविड का हो गया, तो एक झटका में अनेक पक्षी गिर गए। एक चाइना गिर गया, बेचारा इंग्लिश बात करना नहीं आता है। एक इंडिया गिर गया, जो बंदा हम लोग को कुछ काम पता नहीं है कि हम लोग लॉकडाउन हो गए। आज जो लॉकडाउन खुल जा रहा है, मेरे को हंसी है कि 33% दारू खोल दिया, दारू पी के रोड में मर रहे हैं। तो आज आप लोगों को समझ में नहीं आया, आज आप लोग उठ के बोलते हो कि ये कोविड ने कल का, ये कल का डेट है जब वैजाग में आपको गैस लीक हो गया। तो सारे पीपल एक ही जगह थे, वायरस तो मर जाता, वायरस है कि और साला वो और कोई है, फैलेगा नहीं, वायरस है कि मैं बहुत अच्छा आपके लिए रैम बनाया, कोरोना वायरस है इंडिया का, या उसका नाम क्या है, हमारा देश का एक्सपेक्टेड प्रधानमंत्री, उसका नाम क्या है भाई, राहुल गांधी। ये कोरोना वायरस है कि राहुल गांधी, वो भी फैलता नहीं, ये भी फैलता नहीं। यदि कोरोना वायरस के मोदी के जैसी फैल जाते तो मैं भी बोलता कि महान है ये कोरोना वायरस, ये फैलता भी नहीं, रहता नहीं, घर के अंदर में बंद कर दिया, मेरे को तो पागल बन जड़ जाएगा। अब मैं इतने इतने वीडियोस में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को घर में बैठ के यदि बंद कर दोगे मेरे भाई, मेरे को बाहर ना निकलने नहीं दोगे, तो मैं करूँगा क्या बताओ ना।
और रात को मैं 22 घंटा जाग के रहता हूँ, 18 घंटा काम करता हूँ, 3 घंटा पढ़ाई करता हूँ और 1 घंटा अपनी फैमिली को देता हूँ। अब फैमिली को टाइम ज्यादा दे दे रहा हूँ, पढ़ाई ज्यादा कर ले रहा हूँ और अपनी वर्क भी ज्यादा कर ले रहा हूँ, क्या करूंगा? वर्क तो बोला एक्चुअल वर्क नहीं है ना, जो धरती को चीरने का, धरती को फाड़ने वाला वर्क नहीं है। तो मैं अपना हेल्थ को मैं सेटल कर चुका हूँ। यदि मैं इसी रिव्यू के सिस्टम में जाऊंगा तो मेरे को तो मेरा अपार्टमेंट सील कर देगा और कल से मेरे से कोई बात ही नहीं करेगा, रेड जोन में आ गया। ये क्या सिस्टम है यार, इंडिया में तो जुगाड़, जैसा कि मार्स के ऊपर हमने अर्थ का ग्रेविटी बना के डायरेक्शन चेंज कर दिया और 23 दिन में चले गए, दुनिया ताली मारे कि बहुत सस्ता में गया। मेरे भाई सस्ता नहीं, आपको क्या करना है कि टाइम को बचाना है, टाइम को बढ़ाना नहीं, पैसा को सेविंग नहीं करना है। अरे पैसा को कमा लोगे, पैसा बचाना अपने आपके माँ बाप ने सिखाया, मेरे माँ बाप ने पैसा बचाना नहीं सिखाया, पैसा कमाना सिखाया। पैसा कमाना सीखो, बचाना नहीं, बचाओगे तो जिंदगी एक बार का है, जड़ साला तुम लोग जहां के वहां रह जाते हो। मैं कहां से कहां पहुंचा, कहां से कहां हूं, जहां के पीपल पैदा हुए वहीं मर जाते हैं, कुएं के मेंढक। जय हिंद जय भारत। Since designing and dressage accolades. He was the parade commander in RDC in 2008 from Delhi NCC, represented Delhi NCC in Republic Day Parade 2007 and 2008, received Defence Secretary Commendation Car Roll of... Passionate enough to start your own business but don't know where to start from? Do you want to be your own boss but don't know how to initiate? Are you looking for new ideas and unique solutions to reach out to your potential customers? Or are you just simply worried about the potential risk factors associated with your idea? With many such obstacles and hurdles along the way, starting your own firm is surely not easy. And we at Startup Clinic know exactly what it takes to help you. With Startup Clinic by your side as your own business clinic, you can now sit back and relax and kiss a goodbye to all your troubles and worries. Through instant help in your startup process, Startup Clinic provides you all the services related to company formation, rebranding and much more. Starting from just ₹99,999, get unlimited ideas for business along with experts' opinion and meetings with consultants. And starting from just ₹888, get unlimited services for your startup. From company formation to brand and logo creation, from website and application development to social media marketing, we undertake all the responsibilities there are in order to make your business a shining example in modern day entrepreneurship. We also help you with bank loans, funding, factory setups, shows and event participation, along with unlimited advertising opportunities. We have 100 plus business modules under a single window solution under one clinic. After mastering all the major business industries like hotels, e-commerce, salons, franchising, logistics,
restaurants and hotels, clothing and accessories, pharmaceuticals, media, furniture, mobile stores and manufacturing. We have gained all the necessary skills there are and have become much more than just capable to help you in ways more than one. Startup Clinic can provide you with your unique plan and assist you in capital generation as well. All you have to worry about is your ringing cash registers. Startup Clinic is professionally managed by industry experts, and business and technology planning are done through IIM, IIT standards. Our finances and laws are conducted by CA, CS and LLB experts, powered by ZenB Group of Companies, YouTube, and subscribe to our channel Startup Clinic and click the bell icon for daily notifications. We can also assist you on several social media and other platforms like Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Google+, Vimeo, Pinterest, Quora, and Facebook. To know more about us, visit our website www.startupclinic.com.